इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरन की रही न काहू होंस। रण बांकुरों की अमर कहानियों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। उनकी लड़ाइयां, उनका संघर्ष और देश प्रेम की गाथाएं जनमानस के मन में गहरी बैठ कर जाती है। और ऐसे ही अनगिनत महारथियों ने जन्म लिया है मध्य प्रदेश की इस अमृत भूमि में। ऐसे योद्धा जिन्होंने इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित कर दिया। मैं आशुतोष राणा आज आपको सुनाऊंगा कहानी एक ऐसे ही महारथी की, कहानी बुंदेल केसरी छत्रसाल की। बयासी वर्ष का जीवन और 44 वर्षीय राज्यकाल में 52 युद्ध, ये है बुंदेल केसरी छत्रसाल का सफरनामा। छत्रसाल को उनकी वीरता के लिए ही नहीं, छत्रसाल को उनकी लेखनी के लिए भी याद किया जाता है। लेकिन छत्रसाल के संघर्षपूर्ण जीवन की शुरुआत भी बहुत ही कठिनाइयों से हुई। ये कहानी छत्रसाल के जन्म के करीब 150 साल पहले शुरू होती है। सन 1501 में ओरछा में रुद्र प्रताप सिंह राज्यारूढ़ हुए। इनके पुत्रों में ज्येष्ठ भारतीय चंद्र 1539 में ओरछा के राजा बने। तब बंटवारे में राव उदयजीत सिंह को महेबा का जागीरदार बनाया गया। इन्हीं की वंश परंपरा में चंपत राय महेबा की गद्दी पर जिन परिस्थितियों में आसीन हुए उसके बारे में लाल कवि ने छत्र प्रकाश में कहा है कि प्रलय पयोधि उमंग में जो गोकुल जदुदाय त्यो बूढ़त बुंदेल कुल राख्यो चंपत राय। ऐसे महाप्रतापी शूरवीर राजा के घर एक दिन। क्या बात है महारानी, ऐसी क्या बात है जो आपने हमें अति शीघ्र आने के लिए सूचना भेजी? आपका आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? कोई समस्या हो तो अभी राजवैद्य को बुलावा भेज दे। अरे यहां हम आपकी सूचना सुन होश में नहीं है और आप मुस्कुरा रही हैं। लगता है आपने हमसे कोई ठिठोली की है। नहीं महाराज, कोई ठिठोली नहीं। यदि आपको अति शीघ्रता की सूचना नहीं देते तो आप हमसे नाराज हो जाते और फिर ये खुशखबरी हम सबसे पहले आपको ही तो देना चाहते थे। खुशखबरी मतलब? मतलब ये कि महेबा को छोटा जागीरदार मिलने वाला है। क्या क्या कहा आपने? क्या हमने वही सुना जो आपने कहा कि महेबा की राजगद्दी को छोटा जागीरदार मिलने वाला है? जी आपने बिल्कुल ठीक सुना। ठीक ही किया जो आपने हमें अति शीघ्र आने की सूचना दी, अन्यथा हम वाकई नाराज हो जाते। चंपत राय जब समर भूमि में जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे, उन्हीं दिनों ज्येष्ठ शुक्ल 3 संवत 1716 यानी सन 1649 को वर्तमान टीकमगढ़ जिले के लिघोरा विकास खंड के अंतर्गत काकर कचनाय ग्राम के पास स्थित विंध्य वनों की मोर पहाड़ियों में इतिहास पुरुष छत्रसाल का जन्म हुआ। छत्रसाल का जन्म वन भूमि में हुआ था। जन्म के पहले दिन से ही उनका परिचय रणरंगों से हो गया था। बालक छत्रसाल को बहुत कम उम्र में ही महेवा नरेश चंपत राय एक वीर योद्धा थे। चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में उनकी रानी लाल कुंवरी भी साथ रहती थी और अपने पति को उत्साहित करती। रानी लाल कुंवरी स्वयं भी एक जाबाज वीरांगना थी। गर्भस्थ शिशु छत्रसाल ने तलवारों की खनक और युद्ध नीति तो शायद मां की कोख में रहकर ही सीख लिए थे। वहीं माता लाल कुंवरी की धर्म व संस्कृति से संबंधित कहानियां बालक छत्रसाल को और भी बहादुर बना रही थी। और फिर भगवान कृष्ण ने टूटे हुए रथ के पहिए को अपने हाथ में उठा लिया और वार करने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन मासा,
आपने पहले तो बताया था कि उन्होंने युद्ध में अस्त्र शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, फिर उन्होंने अस्त्र कैसे उठा लिया? हाँ बताया था, लेकिन भीष्म पितामह ने उनसे कहा था कि मैं आपसे अस्त्र उठवा कर रहूंगा, लेकिन सच बात तो ये थी कि भगवान ने भीष्म पितामह के उकसाने पर नहीं अपितु अधर्म के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाया था। महाभारत का युद्ध हुआ ही इसलिए था क्योंकि संसार में अधर्म बहुत बढ़ गया था। बाल्यावस्था से ही छत्रसाल क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ आताताइयों से मुक्त एक स्वतंत्र देश में सांस लेना चाहता था। 5 वर्ष की उम्र में ही बालक छत्रसाल को युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहिब सिंह धंधेर के पास देलवारा भेज दिया गया। मामा साहब, पूरा महीना भर हो गया है लेकिन अभी तक आपने हमारे हाथ में तलवार नहीं दी। बस रोज आओ और मैदान के 10 चक्कर लगाओ या कुएं से पानी खींचो और धीरे धीरे उसकी रस्सी को छोड़ो। एक एक प्रहर खाली हाथ हवा में लटका के रखो। बिना तलवार के कैसा प्रशिक्षण, कैसा युद्ध कौशल सिखा रहे हैं आप? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हमारे हाथ तलवार पकड़ने के लिए मचल रहे हैं। पुत्र, ये सब इसलिए कि आपकी भुजाएं पहले तलवार का भार उठाने की शक्ति तो प्राप्त कर लें, फिर तलवार भी थाम लेंगे। चलो अब प्राणायाम का समय हो चला है। फिर वही, आप शायद भूल गए हैं, पिताजी ने आपके पास हमें युद्ध शिक्षा के लिए भेजा है, योगी बनने के लिए नहीं। पुत्र छत्रसाल, प्राणायाम, योगासन और ध्यान किसी भी शिक्षा के लिए आवश्यक है, फिर चाहे वो युद्ध की नीति हो या राजनीति, व्यापार नीति हो या खेती, कुछ भी हो, यदि एकाग्रता और मन की शांति न होगी तो सफलता या तो प्राप्त ही नहीं होगी, और यदि होगी भी तो अत्यंत देर से, और कदाचित तब तक उसका महत्व ही समाप्त हो जाए। अब आया कुछ समझ में? कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, प्राणायाम के लिए विलंब हो रहा है। बालक छत्रसाल इन कहानियों के साथ और शस्त्र अस्त्र की शिक्षा के सहारे बड़ा हो रहा था, लेकिन खुशी का ये आलम ज्यादा दिन तक नहीं चला। और एक दिन रणभूमि से महाराज चंपत राय खून से लथपथ राजमहल में लौटे। महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज? ये सेवक, सेवक, जल्दी कोई कोई राजवैद्य को बुलाओ, शीघ्रता करो। नहीं महारानी, अब समय नहीं है हमारे पास। लेकिन ये दशा किसने की? हमें अभी तो समाचार मिला था कि युद्ध में हमारा पलड़ा भारी है। विश्वास, फिर विश्वासघात हुआ है हमारे साथ। महारानी, हमारे एक विश्वास पात्र गुप्तचर ने हमारी सारी रणनीति हमारे शत्रुओं के सामने उजागर कर दी। हमारे पास समय बहुत कम है महारानी, हम नहीं चाहते कि जीते जी उनके हाथ लगे, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने प्राण त्याग देंगे। हमारे बाद आपको अपमानित जीवन जीना पड़े, ये हम नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते थे कि... समझ गई महाराज, आपके बिना वैसे भी हमारे प्राणों का क्या मूल्य, आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश। और फिर महावीर चंपत राय और वीरांगना रानी लाल कुंवरी ने आत्माहुति दे दी। अपने पराक्रमी पिता चंपत राय की मृत्यु के समय छत्रसाल मात्र 12 वर्ष के थे। इस अवस्था में छत्रसाल से उनकी जागीर छीन ली गई और वो किसी तरह अपनी मां के गहनों को साथ लेकर वहां से भाग निकले। दिन कठिन थे और सामने विरोधाभासों का पहाड़ खड़ा था, लेकिन सिर्फ लहरों के साथ तैरता जाए वो वीर कैसा? सच्चा वीर तो वो है जो लहरों को चीरता हुआ आगे निकल जाए। छत्रसाल ने इन प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना किया। छत्रसाल के साथ था बुंदेली शौर्य, बहादुर माता पिता का अदम्य साहस और आत्मविश्वास, इसलिए वो टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्मघात नहीं किया, वरन एक रास्ता निकाला परिस्थितियों से निपटने के लिए। राणा के साथ अपने माता पिता की मृत्यु के बाद छत्रसाल अपने पिता के मित्र राजा जयसेन से मिले।
उनकी सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और कुछ ही दिनों में उनका शौर्य और उनकी वीरता ने सबको प्रभावित कर दिया। छत्रसाल के अस्त्र संचालन से प्रभावित होकर राजा जयसिंह ने एक दिन उनको अपने कक्ष में बुलवाया। प्रणाम महाराज, आज्ञा दीजिए, आपने हमें किस लिए याद किया? आइए छत्रसाल, हमें प्रसन्नता है कि आपने अल्प समय में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्रों की संचालन में निपुणता प्राप्त कर ली है। आज से आप हमारे विशेष सेना के दस्ते में शामिल किए जाते हैं। हम आशा रखते हैं कि आपका प्रदर्शन इस सेना में रहकर और भी निखरेगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं महाराज। सेनापति, इनके विशेष प्रशिक्षण की तैयारी कीजिए। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं छत्रसाल। इस प्रशिक्षण के बाद निकट भविष्य में आपको और भी बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। हम आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और हर जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाएंगे। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण विजय का कार्य सौंपा था और राजा जयसिंह ने छत्रसाल को अपना प्रमुख सेनापति घोषित किया। छत्रसाल के लिए यह अपनी वीरता सिद्ध करने का एक सुनहरा अवसर था। 1665 में बीजापुर के युद्ध में छत्रसाल ने असाधारण वीरता दिखाई और देवगढ़ छिंदवाड़ा के गौण राजा को पराजित करने में तो छत्रसाल ने जी जान लगा दी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे अकेले ही 10-10 शत्रुओं पर भारी पड़ रहे थे। इस युद्ध के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया गया, उनकी रक्षा ना करता तो छत्रसाल शायद जीवित ही ना बचते। पर इतना कुछ करने पर भी विजयश्री का सेहरा औरंगजेब ने उनके सर पर नहीं बांधा। छत्रसाल का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीयति समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी और फिर से छत्रसाल आजाद हो गए। लेकिन अब उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वे किसी और की चाकरी नहीं करेंगे और तो और स्वराज के अपने संकल्प को पूरा करेंगे, भले ही किसी भी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़े। उस समय पश्चिम और मध्य भारत में छत्रपति शिवाजी का शासन अपने चरम पर था। छत्रसाल ने छत्रपति से मिलने का मुगलिया सल्तनत की नौकरी छोड़ने के बाद सन 1668 में छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी से भेंट की। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। छत्रपति अपने आसन पर विराजमान थे तभी छत्रसाल उनके समक्ष उपस्थित हुए। शहीद चंपत राय के पुत्र छत्रसाल का प्रणाम स्वीकार करें छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए आइए वीर छत्रसाल, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। हमने आपकी वीरता के कई किस्से सुने हैं, किंतु हमें बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी वीरता गुलामी में खर्च हो रही है, क्योंकि जो वीर अपनी माटी अपनी जन्मभूमि के दुश्मनों की गुलामी करे उसकी वीरता के कोई मान नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा छत्रपति, और इसीलिए आज सारी गुलामी की बेड़ियां तोड़कर हम आपके समक्ष अपनी माँ अपनी जन्मभूमि की गुलामी के लिए और उन्हें बेड़ियों में बांधने वालों से आजाद करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रस्तुत है। मतलब हमने मुगलों की गुलामी छोड़ दी। जहाँ अपनी मातृभूमि का अपना सम्मान न हो वहाँ एक पल भी ठहरना हमें गवारा ना। अब आप ही हमारा मार्ग प्रशस्त कर कि हम अपनी ऊर्जा को कौन सी दिशा दें। आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। छत्रपति, हम भी आपको वचन देते हैं कि स्वाधीनता और अखंड भारत के आपके स्वप्न के लिए यदि हमें अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
नहीं हटेंगे पीछे। छत्रपति शिवाजी छत्रसाल बुंदेला को समर्थ गुरु रामदास के पास ले गए। प्रणाम गुरुदेव, ये वीर छत्रसाल हैं। मेरी विनती है कि इन्हें भी अपने चरणों में स्थान देकर इनके जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करें। इनके जीवन को अर्थ तो जगदम्बा ने प्रदान कर दिया है। शिवा, तुम्हारे साथ इनका योग कराकर जिस कार्य का बीड़ा आप दोनों ने उठाया है, छत्रसाल आप उसमें सफल हों। शिवा और आपके साथ हमारा आशीर्वाद सदैव है। आपके दर्शन मात्र से ही मन हिमालय की तरह शांत और अटल हो गया गुरुदेव। जीवन का सच्चा अर्थ तो आपके चरणों में ही है। अंत में समर्थ गुरु रामदास ने छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम को ध्यान में रखकर आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां कही। परो देश के राज छतारे, हम तुम तय कभो नहीं न्यारे। दौर देश मुगलन को मारो, दपटी दिली के दल संघारो। तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने। जो इतने तुमको हम राखें, तो सब सुएस हमारे भासे। और इन आशीर्वचनों के साथ छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड लौट आए एक नए उत्साह के साथ। क्या हुआ आगे बताऊंगा जल्दी।